सर बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर, खुद में अपने आप में इनका टीचिंग स्टाइल यूनिक है। सर हम लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं जी। ऐसा लगता नहीं है कि हम अभी कोचिंग में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग एक फैमिली की तरह है। एस इंग्लिश क्लब एक कोचिंग नहीं है, यहाँ एक फैमिली है। और मेरा ये बहुत विश्वास है कि आपसे ज़्यादा सर आपको जान लेंगे। और अगर वो अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ आना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। एक्चुअली एस इंग्लिश क्लब में जो भी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि सारी चीज़ें खास हैं। स्टडी मटेरियल यहाँ का बहुत बेहतरीन है जी, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है जी। मेरे ख्याल से एस इंग्लिश क्लब यहाँ पटना का बहुत अच्छा कोचिंग है जी। हेलो फ्रेंड्स एंड माई ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक एट योर ऑन चैनल कैरियर चॉइस। तो मैं आज आ चुका हूँ एक नई और बेहतरीन ऑप्शन के साथ, एएस इंग्लिश क्लब, जो कि मुन्ना चक में स्थित है। तो यहाँ की क्लास चल रही है, मैं क्लास में जाकर बात करूँगा बच्चों से और रिव्यू लूँगा कि बच्चों क्या रिव्यू देते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहें और रिव्यू जानते हैं क्या देते हैं अपने। कैसे हैं दोस्त आप लोग, जोश में बोलो यार। तो चलिए बच्चे लग रहे जोश में हैं, मैं बात करूँगा बच्चों से क्या बताते हैं फीडबैक एएस इंग्लिश क्लब का। तो चलिए बात करता हूँ मैं, नाम क्या है दोस्त आपका? आशीष कुमार। तो आशीष आप ये बताएंगे कि एस इंग्लिश क्लब में आपको स्टडी मटेरियल कैसी प्राप्त होती है? बहुत बढ़िया। और मुझे ये लगता है कि यहाँ एस इंग्लिश क्लब एक कोचिंग नहीं है, यहाँ एक फैमिली है। और मेरा ये बहुत विश्वास है कि आपसे ज़्यादा सर आपको जान लेंगे और हर मुसीबत में हर परिस्थिति में आपका सर साथ देते हैं जी। yes. तो जो भी बच्चा एस इंग्लिश क्लब से अनअवेयर है उसको क्या बताएंगे आप? पटना में वैसे तो बहुत सारी कोचिंग है इंग्लिश की। मुझे लगता है ना कि अगर आप एस इंग्लिश क्लब में आते हैं तो आप एक कोचिंग नहीं, आप एक परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं और इसका एक आप मेंबर बनिएगा। तो सर हर मतलब सर एक टीचर नहीं, एक मतलब बोल सकते एक भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह हमारा सपोर्ट करते हैं हर परिस्थिति में। तो मुझे लगता है कि जहाँ भीड़ में पढ़ने से अच्छा है कि आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है, कम्युनिकेशन सेक्शन आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, यही सब। ओके थैंक यू दोस्त। एस इंग्लिश क्लब के बारे में क्या बताएंगे? मेरे ख्याल से एस इंग्लिश क्लब यहाँ पटना का बहुत अच्छा कोचिंग है जी। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जी, जो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सर हमेशा मतलब फैमिली की तरह रहते हैं और किसी के ना पूछने पे भी उसकी परेशानी जान लेते हैं सर जी, ऐसा सब कुछ। आपका क्या नाम है? ज्योति। आपसे मैं बात करूँ यहाँ की स्टडी मटेरियल यहाँ की कैसी रहती है? जी बहुत अच्छी है यहाँ की स्टडी मटेरियल। और सर हम लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं जी। ऐसा लगता नहीं है कि हम अभी कोचिंग में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग एक फैमिली की तरह है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं जी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था भी की गई है जी। जैसे लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से, जब तक उनका मन हो तब तक वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आगे जानता हूँ और लोगों से क्या बताते हैं एएस इंग्लिश क्लब के बारे में। मैम आप एएस इंग्लिश क्लब में जो सोच के आप आए थे क्या वो आपको मिल रही है? ये सर मुझे वो सब कुछ मिल रही है। मैंने सोच कर आया था कि इंग्लिश एकदम सीखना है और एक मंथ में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है इस इंग्लिश एएस क्लब में जी। तो क्या यहाँ पे वो लाइब्रेरी फैसिलिटी दी जा रही है? यस यहाँ स्टडी रूम बनाया गया है बच्चों के लिए, ये बाहरी बच्चों के लिए नहीं है, ये स्पेशली इस यहाँ जो लोग ज्वाइन करेंगे इंग्लिश अच्छे से पढ़ेंगे उनके लिए एकदम पूरा स्पेशली एकदम रूम बनाया गया है स्टडी रूम के लिए, वो लोग आराम से पूरे टाइम वो लोग स्टडी कर सकते हैं जी। तो आप अभी तक कितना सर्टिफाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जो भी बच्चा अनअवेयर है इस इंग्लिश क्लब से अगर वो एडमिशन लेना चाहेंगे तो क्यों लेगा ये आप एक्सप्लेन करके मेरे व्यूअर्स को? अगर वो अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ आना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अगर यहाँ वो एक दिन भी क्लास कर लेंगे ना तो उनको पूरा वो समझ जाएँ कि इंग्लिश उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और बस एक दिन क्लास करके ही वो यहाँ एडमिशन ले लेंगे। ओके थैंक यू। अविनाश आप ये बताएंगे यहाँ क्या एस इंग्लिश क्लब का फ़ी अफोर्डेबल है? हाँ सर अफोर्डेबल तो है फ़ी जी। तो फ़ी के बारे में कुछ बताएंगे आप कि सर यहाँ फ़ी कैस के हिसाब से लेते हैं, अब बच्चों को फ़ी नहीं रहने पर भी बच्चा क्या एडमिशन पढ़ सकता है या नहीं? ये ऑफ कोर्स पढ़ सकता है। इससे पहले मैं एक कोचिंग विजिट किया था, इसका नाम बता नहीं सकता जी, जी। वहाँ 20,000 बोल रहा था, वो कम्युनिकेशन का अलग चार्जेस था और ग्रामेटिकल सेक्शन का अलग चार्जेस था। वहाँ से यहाँ बहुत कम है सर फी जी। और पढ़ाई भी अच्छा होता है, एनवायरमेंट भी बढ़िया है सर, और सारा चीज़ मिलता है यहाँ पर जी। तो यहाँ माहौल की बात करूँ, माहौल यहाँ कैसी मिल रही है आपको? माहौल तो सर बढ़िया है एकदम जी। जो मतलब सोच के यहाँ आए थे क्या वो आपको पूरा मिल रही है? कोशिश तो मतलब हम कर रहे हैं लेकिन सर पूरा कर रहे हैं मेरे पे। कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। आप कितना सर्टिफाइड है यहाँ से? 90% सर। फिर 90 10% आप नहीं हैं
10% के ठीक है, जो भी 10% है आप उसको शेयर करेंगे मेरे व्यूवर्स को, तो उसको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। मेरा अभी यहाँ कोचिंग का एक ही महीना हुआ सर, ठीक है, तो इस वजह से मैं 90% बोल रहा हूँ। थैंक यू भाई। तो गोपाल जी, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे स्टडी मटेरियल कैसे मिलती है आपको? स्टडी मटेरियल यहाँ का बहुत बेहतरीन है जी, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है जी, उसे प्रैक्टिस करने से पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होता है जी। फ़ी के बारे में बताएंगे, फ़ी यहाँ क्या अफोर्डेबल है? फ़ी मार्केट के हिसाब से बहुत कम है जी, जो होना चाहिए उससे बहुत कम है, बेहतर है जी। मैं बात करूँ एएस इंग्लिश क्लब का, ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको यूनिक लगता है? यहाँ सर का पढ़ाने का तरीका जी, सर पढ़ाते भी हैं, बोरिंग नहीं करते हैं, हंसाते भी हैं, और वो यहाँ पे जो अब्सेंट होता है उस पर पनिशमेंट भी लिए करते हैं जी। शुभम जी, अगर मैं आपसे बात करूँ एएस इंग्लिश क्लब का, ऐसा कौन सी चीज़ है चेंज करना चाहोगे, कुछ बदल के उसको दूसरा चीज़ करना चाहोगे? सर बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर, खुद में अपने आप में इनका टीचिंग स्टाइल यूनिक है, एक इन्वायरमेंट ही अलग है इसका, अलग ग्रामेटिकल सेक्शन अलग है, कम्युनिकेशन सेक्शन अलग है। अगर कोई सिंसियर और मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो उसके लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दिया गया है, जो मात्र मिनिमम प्राइस में, मतलब पूरा होल डे के लिए है, 24 घंटा के लिए। तो हम तो कुछ चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि सर खुद एक अपने आप में ऑथर है, डायरेक्टर है, वो PhD का किए हुए हैं इंग्लिश में, तो बेटर जानते हैं, इन्वायरमेंट सही है, हेल्थी कंपटीशन यहाँ पर मिलता है जी। तो हम नहीं चाहते हैं कुछ चेंज हो क्या। ओके, अगर यूनिक की बात करें तो यूनिक क्या है? यूनिक उनके टीचिंग स्टाइल से लेके वो, मतलब बहुत सारे जो चीज़ है जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो उनके हर एक बात से हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि मतलब जो स्टैंडर्ड मार्केट में जो फैला हुआ है, जो मिथ है कि ये होता है वो होता है, तो उसको बहुत खुलेआम मतलब उसको क्लियर मतलब काटते हैं, मतलब फिर नया चीज़ अपना जोड़ते हैं, मतलब सही चीज़ जो मिस्टेक हो रहा है मार्केट में उसको सुधारते हैं जी। मैं बात करूँ माहौल, यहाँ माहौल कैसी मिल रही है आपको? माहौल यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन है, अगर किसी को ग्रो करना है तो जो कंपटीशन चाहिए उसको, वो कंपटीशन यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे कोचिंग है यहाँ पे पटना में, बट वो जो हेल्दी कंपटीशन मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए स्टैंडर्ड आपको बोलना है, कम्युनिकेशन करना है, चाहे ग्रामेटिकल सीखना है, तो उसके लिए यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन है, इन्वायरमेंट सही है, जिससे आप मतलब ग्रो कर सकते हैं सर। हाँ, ज़्यादा मतलब लूज भी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, बस मिडिल में लेके चलते हैं सर। मिडिल का इनका थ्योरी है कि मिडिल में लेके चल के मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं होगा और ज़्यादा लूज भी नहीं, मतलब जिसे ग्रो करे लड़का, ओवरऑल ग्रोथ जी। आप कितना सर्टिफाइड हैं? हम तो अभी एक महीने में बहुत सर्टिफाइड है यहाँ पे जी। जो आना चाहेगा, वो एडमिशन लेना चाहेगा, उसको क्या बताएंगे आप? वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग, पहला विजिट यहाँ पे होना चाहिए सर। से आप 10 मिनट बात करेंगे, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट। थैंक यू भाई। आप लोग पूरा सर्टिफाइड हो इस इंग्लिश क्लास पढ़ के? पक्का ना? आपने देखा, मैंने बच्चों से बात किया यहाँ पे, कैसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होते हैं, कैसे स्टडी किए जाते हैं, यहाँ टीचिंग स्टाइल कैसा है। तो मेरे चैनल बने रहे, मैं आगे भी सर से बात करूँगा और जानूंगा सर कि सर क्या कुछ खास करते हैं बच्चों के लिए। मैं आप सर से बात करूँगा और जानते हैं सर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ सर। दिस इज अमित सोनी, डॉक्टर अमित सोनी, एंड आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड AS इंग्लिश क्लब, वेयर ऑल द कम्पिटिटिव चैप्टर्स एंड कम्पिटिटिव सिलेबसेस आर बीइंग टाउट। And as far as my own personal life and personal degrees are concerned, I'm doctorate, means I'm PhD in English, and I'm running this institution from 2017, AS English Club, but I'm teaching since 2009. And I'm author also, market mein books available hain, Scholar Choice naam ki ek hamari apni book hai, jo Bharati Varn Prakashan se, Alok Bharati Prakashan se jo hai publish hui hai, 2019, 16th of June ko is book ko maine launch kiya hai। स्टिल कुछ बुक्स ऑन द वे हैं जो कि आने वाले समय में बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगा। आई हैव बिन द HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट इन CBSE कैरिकुलम फॉर नाइन कंटिन्यूसली ईयर्स, एंड आई वॉज सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल, आई वॉज इलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल ऑल्सो, सो दिस इज माई वर्क टिल नाउ। सर क्या कुछ खास कर रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए? एक्चुअली AS इंग्लिश क्लब में जो भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें खास हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे एज ए स्टूडेंट में, मैं पटना में 7 ईयर्स रहा हूँ, तो मुझे जो चीज़ें नहीं मिली मैं वो चीज़ बच्चों को पटना में अपने सेंटर पे देने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ जो इंग्लिश की, मैं समझता हूँ कि पटना एरिया में जो कंकड़बाग एरिया है, आपकी इंग्लिश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आपकी सबसे बड़ा फ्लोर है आपका यहाँ पे, जहाँ पे कंप्लीट ग्रामर की सेक्शन जो है वो अलग सेक्शन है हमारे यहाँ, कम्युनिकेशन की स्पेशल इंटीरियर जो है मैं करके रखा हूँ, स्पेशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो अलग से बच्चों को मिलती है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ जो है वो कम्प्लीटली स्टडी रूम के नाम से हमारे यहाँ चलता है, जो बच्चे दिन भर स्टडी वहाँ करते हैं ऑलमोस्ट फ्री जो होती है हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, जो दिन भर स्टडी कर सकते हैं। स्मार्ट कैबिन है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लगे हुए हैं बच्चों को, जो बुक्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी संस्था ला करके देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, डिबेट जो है या डिस्कशंस हो, ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलती है। और बच्चों के लिए टीचर जो है, हमें हमेशा फ्री रहता हूँ कि बच्चों को कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो उनको हमेशा बताया जाए। टीचर्स बच्चों के लिए एलियन ना हो, जब भी वो आपकी ज़रूरत महसूस करें वो आपके सामने हो, बच्चों को नाम से जाने पहचाने। यदि आप नाम से बच्चों को पहचान नहीं रहे क्लासरूम में, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, यदि टीचर को पता नहीं है तो मुझे लगता है कि पढ़ाई नहीं होती है। अतः एक टीचर को जो है बच्चों के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि बच्चे यदि आपके क्लासरूम में एबसेंट हैं तो वो कहाँ हैं। तो हमारे यहाँ ना आने वाले बच्चों के लिए फ़ाइन की व्यवस्था है, वो जो बच्चे नहीं आते उनको फ़ाइन लगती है, डांट भी लगती है, जरूरत पड़ती है तो पिटाई भी लगती है। ये सारी व्यवस्था हमारे यहाँ है। मुझे लगता है कि मैं एक एक बच्चे को ध्यान से देख लेता हूँ, चूँकि यूनिक है। ओके, तो सर कोई बच्चा विजिट करेगा आपका इंस्टीट्यूट तो आप अपना इंस्टीट्यूट का लोकेशन बताएंगे? आपकी इंस्टीट्यूशन ये जो है AS इंग्लिश क्लब, यहाँ पे मुन्ना चौक पे है, कंकरबाग एरिया इसको कहते हैं। एंड मुन्ना चौक पे संकट मोचन मार्केट है, यहाँ संकट मोचन मंदिर है उसी नाम पे संकट मोचन मार्केट इसे कहते हैं। बहुत ही विजिबल एरिया है, बहुत ही नोन एरिया है, एकदम ऑन द रोड है। आप यहाँ संकट मोचन मार्केट भी आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे AS इंग्लिश क्लब आपको दिखेगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो गूगल पे सर्च करें, मिल जाएगा। थैंक यू सर। तो आपने देखा, मैंने सर से और बच्चों से बात किया, काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा सर इंस्टीट्यूट का। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं AS इंग्लिश क्लब, लोकेशन भी सर बता ही चुके हैं, तो देर ना करें। सो अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हुए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।